नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, यानी कि पंचायत चुनाव के बाद भी अगर प्रतिनिधियों ने यह काम नहीं किया है तो अब जो है उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। बिहार में पिछले साल यानी कि साल 2021 में पंचायत चुनाव समाप्त हुआ। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि पंचायतों में अब विकास का कार्य तेजी से होगा। बता दें कि बिहार में इस बार नए उम्मीदवारों की जीत ज़्यादा मिली है, साथ ही साथ इस बार युवा उम्मीदवारों पर भी मतदाताओं ने खूब भरोसा जताया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पंचायत की बागडोर युवाओं के हाथ में होगी, जिससे कि पंचायत का विकास हो सके। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच में यह कहा जा रहा है कि शपथ नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता अब जो है समाप्त हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिला पदाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। जारी पत्र में यह कहा गया है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 ग्राम पंचायतों व ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने के संबंध में 18 दिसंबर से 20 जनवरी को यह पत्र जारी किया गया था। अधिकारियों की तरफ से जारी पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शपथ पत्र व प्रतिज्ञा कराए जाने का निर्देश जारी किया गया था। इसे में यह कहा गया था कि 24 से 31 जनवरी तक किसी भी दिन कार्यालय अवधि में शपथ ग्रहण कराने को कहा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि बिना निर्धारित कार्यक्रम के पश्चात भी छूटे हुए जनप्रतिनिधियों आदि सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होकर शपथ ग्रहण व प्रतिज्ञा दिलाने का अनुरोध करते हैं तो उन्हें शपथ ग्रहण व प्रतिज्ञा दिलाई जा सकती है। शपथ ग्रहण की तिथि समाप्त हुए लंबा समय बीत गया है। पंचायतों में अब विकास का कार्य भी शुरू हो गया है, लेकिन कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अभी तक शपथ ग्रहण नहीं करवाए हैं। ऐसे में अगर वे शपथ ग्रहण नहीं लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। ऐसे में विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि कुछ जनप्रतिनिधि अभी भी अप्रत्याशित कारण, अस्वस्थता, मुख्यालय से बाहर रहने आदि के कारण कोई निर्वाचित प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को या फिर बाद में भी शपथ ग्रहण व प्रतिज्ञा के लिए नहीं आ सके तो, एवं उन्हें अभी तक शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा नहीं कराई है तो किसी कारणवश छूटे नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि को पद विशेष से संबंधित क्षेत्र में सर्वप्रथम पद के लिए निर्धारित तिथि से 3 माह के अंदर किसी भी दिन कार्यालय अवधि में नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन विहित प्राधिकार द्वारा शपथ दिलाई जाए। निर्धारित प्रतिनिधियों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्वाचित होने के 3 महीने के अंदर शपथ नहीं लेने की स्थिति में उनका पद रिक्त समझा जाएगा। जिले में एक सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं लिया है और ये मामला जो है भागलपुर का है। ऐसे में अब जनप्रतिनिधियों को पंचायतों के विकास को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपना शपथ पत्र लेना चाहिए, जिससे कि पंचायतों का विकास हो सके। बिहार इन दिनों पंचायतों के विकास को लेकर एक तरफ जहां सोलर लाइट लगाने की बात कह रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नल जल योजना को लेकर भी काम किया जा रहा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि अगर अभी तक शपथ नहीं लिए हैं तो यह काम जल्द कर ले ताकि पंचायतों का विकास हो सके, नहीं तो आने वाले दिनों में आपकी सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों को इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर किन्हीं कारणवश, कई तरह के कारण जो है एक तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बताए गए हैं कि अगर इन कारणों का अगर आप हवाला देते हुए अगर आप कहते हैं कि मुख्यालय में नहीं है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपने इन सब कारणों से तय समय पर आप शपथ ग्रहण नहीं लिए हैं तो आप संबंधित प्राधिकार से जाकर मिलें और बताएं कि मैं शपथ लेना चाहता हूं। उसके बाद आपकी जो है सदस्यता यानी कि आपका जो है शपथ पत्र कराया जाएगा। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि अभी तक शपथ नहीं लिए हैं उन्हें जो है साफ तौर पर कहा गया है कि 3 महीने के अंदर ले लें, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।